हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद वन मोर हेल्दी रेसिपी। तो आज की रेसिपी उन लोगों के लिए है जो मीठा खाना पसंद करते हैं या फिर उनको हमेशा कुछ मंचिंग की क्रेविंग रहती है ना, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये हेल्दी होने के साथ साथ में बहुत ही डिलीशियस है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, सिंपल दो स्टेप्स में ये बन के तैयार हो जाता है सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट्स के साथ में। और आप इनको बच्चों को भी दे सकते हैं ऐसे एज अ स्नैक्स भी दे सकते हैं या फिर आप उनको दूध में भी डाल के दे सकते हैं। बच्चों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है ये क्योंकि ये बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, आपकी स्किन को अच्छा बना के रखता है, और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं ना तो उसमें भी जो आपका एक्स्ट्रा वेट है ना बॉडी में उसको भी मेंटेन करने में, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है, और भी ढेर सारे इसके फायदे हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इसकी। तो इसे बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मखाना, जिसे फॉक्स नट्स भी कहा जाता है। ये सुपर हेल्दी ड्राई फ्रूट है ये, अगर आप गूगल करेंगे तो ढेर सारे आपको इसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो आपने कितना बनाना है ये डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से आप मखाना ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बेकिंग डिश ली है, मैं इसको माइक्रोवेव कर रही हूँ 2 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसको गैस पे भी कढ़ाई में डाल के हल्का सा सॉटे कर सकते हैं मीडियम फ्लेम पे। तब तक हमें सॉटे करना है जब तक ये बिल्कुल क्रंची सा नहीं हो जाता। अभी ये बिल्कुल यू नो चुई से टेक्स्चर के होते हैं, लेकिन थोड़ा गर्म करने के बाद ये बहुत अच्छे एक बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं। बस हमारे मखाने रेडी हैं। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट ली है। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं और वेट लॉस आपका पर्पस भी है तो यहाँ पे आप मिल्क चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट ही लें, लेकिन मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट ली है। आप उस हिसाब से कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। तो इस चॉकलेट को हमने पहले मेल्ट कर लेना है, आप चाहे माइक्रोवेव कर लीजिए या फिर इसको डबल बॉयलर यानी कि गर्म पानी के ऊपर रख करके आप इसको मेल्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, उससे इसका जो टेक्स्चर है बहुत अच्छा हो जाता है, साथ ही में जो चॉकलेट है ना वो बहुत ही अच्छा ग्लॉसी सा यू नो एक कवर देती है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल भी लम्स ना रहे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर या फिर कोई भी टूथपिक आप ले सकते हैं, इस तरह से हम मखाना को डिप करेंगे इसमें चॉकलेट में। तो आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं दोनों, और या फिर आप टोटली जो है चॉकलेट के अंदर मखाना डाल करके उनको कोट करके साइड में रख सकते हैं, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क आता है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो अभी मैंने इसको टूथपिक से सिंगल एक निकाला है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मैं इसको टोटली सारे इसमें डिप करके वन वन करके निकाल लूँगी। तो बस सारे कोट करने के बाद हम इसको फ्रिज में 4-5 घंटे के लिए रख देंगे, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल सेट हो जाते हैं और आप इनको एज अ डिजर्ट भी खा सकते हैं, एज अ मंचिंग जब भी आपका करने का मन करे खा सकते हैं, या फिर आप इनको बच्चों को दूध के साथ भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं, बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आते हैं ये। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमने टूथपिक के साथ पहला वाला निकाला था वो कितना ही ग्लॉसी और बिल्कुल क्लियर है, और बाकी थोड़े से रफ टेक्स्चर के हैं। तो आपकी चॉइस है आप किस तरह से इनको बनाना चाहते हैं। बस इनको स्पैचुला से निकाल करके आप किसी एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में ही स्टोर करके रखें, अदरवाइज ये मेल्ट हो सकते हैं क्योंकि गर्मियों की वजह से, और बहुत तेज गर्म दूध में भी इसको ना सर्व करें। तो आई होप आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और डेली इस तरह की हेल्दी वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बने हुए बेल आइकन में ऑल के साथ जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप डेली जो है मेरी रेसिपीज को मिस ना कर सके। तो मिलते हैं कल एक और नई रेसिपी के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।